जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। केफ सेवन का आज हमारा है लेक्चर नंबर 6। जी कल हमने कंपनीज के टाइप्स डिस्कस किए थे, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, ये डिस्कस किए थे ना। हाँ जी, आज हम उसके एक छोटा सा एक और टॉपिक रह गया था, होली ओन्ड सब्सिडरी, ये भी एक डिफिनीशन थी, पढ़े। कब होगी होली ओन्ड? अगर 100% शेयर होल्डिंग किसी और कंपनी की हो तो हम उसको क्या कहते हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी। ठीक है, अच्छा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आईकेएफ के क्वेश्चन है। ठीक है, ये आईकेएफ के पास पेपर के क्वेश्चन है। आप देखें कि अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट, ये तकरीबन आई थिंक 4 मार्क्स का टेस्ट किया गया था। तो जब ये टॉपिक मैं आपको शुरू करा रहा था ये डिफिनीशंस वाला, तो मैंने आपको बताया था कि जनाब इसमें सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स आते हैं जो कि डिफिनीशन है। जिन बच्चों ने डिफिनीशन याद की हुई है, लिख दिया है डिफिनीशन, ठीक है, तो पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ओके हो गया, तो बॉडी कॉर्पोरेट की डिफिनीशन जिस बच्चे ने याद की हुई है लिख दिया, 4 नंबर कन्फर्म है। जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 देखे, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। आ सेक्रेटरी हैज रिसेंटली जॉइंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, शी इन्फॉर्म्ड, कौन सी कंपनी ज्वाइन की है, कौन सी कंपनी है प्राइवेट, शी इन्फॉर्म्ड द सीईओ दैट द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी हैज क्रॉस्ड द मैक्सिमम नंबर प्रोवाइडेड अंडर द कंपनीज एक्ट, द डेटा शी शेयर्ड विद सीईओ वाज, उसने सेक्रेटरी जो है ना ये कंपनी का एम्प्लॉय होता है और ये लीगल मैटर्स को देखता है कि हमारी कंपनी जो है, ये आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट के चैप्टर में आएगा, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी जो है ये देखता है कि हमारी कंपनी, ये इसकी जिम्मेदारी होती है कि हमारी कंपनी विद लॉ कंप्लायंस कर रही है, कंपनी एक्ट के मुताबिक काम कर रही है, जो बाकी रेगुलेटरी बॉडीज है या अदर लॉज है उसके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही है। तो कंपनी सेक्रेटरी ने सीईओ को कहा कि जनाब हमारी कंपनी तो प्राइवेट कंपनी है और ये जो है मैक्सिमम नंबर की वायलेशन हो रही है। सीईओ ने कहा कैसे, तो कंपनी सेक्रेटरी ने डिटेल्स दिए, कहते हैं कॉर्पोरेट मेंबर्स, कॉर्पोरेट मेंबर्स का मतलब क्या है, मतलब दूसरे कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है। कितने दूसरी कंपनीज है आर्टिफिशियल, हमने पढ़ा था ना कि ओनर मेंबर शेयर होल्डर में भी आर्टिफिशियल पर्सन आर नेचुरल पर्सन, ठीक है, इंडिविजुअल्स नेचुरल पर्सन 34 है, जॉइंट शेयर होल्डिंग 3 मिलियन शेयर्स हेल्ड बाय 4 मेंबर्स जॉइंटली, वो कितने हैं, 4। ये वाला गलत किया है, ये 4 नहीं है, ये हमने कहा था कि एक से ज्यादा अगर मेंबर्स जॉइंटली, मैंने आपको बहन भाइयों का एग्जांपल दिया था, याद है ना, बाप के पास थे 10,000 शेयर्स, बाप मर गया, 4 बच्चे थे, वो शेयर्स जो है बच्चों को इनहेरिटेंस में ट्रांसफर हो गए, तो लॉ कहता है जो जॉइंटली ऑनरशिप होती है किसी कंपनी की या किसी कंपनी की शेयर होल्डिंग होती है तो उसको हम 4 मेंबर्स काउंट नहीं करेंगे, उनको हम कितना मेंबर काउंट करेंगे, 1 मेंबर काउंट करेंगे। तो ये 3 नहीं है, ये कितने मेंबर्स है, 4 नहीं है, ये कितने मेंबर्स है भाई, कितने हैं, 1। तो अब आप टोटल करें, 14 + 34 कितने हुए, 48 और 1 + 1 49। क्या लॉ की वायलेशन हो रही है, ये भी आया था आई थिंक 3 से 4 नंबर का, कितने मार्क्स का था, 3 to 4 मार्क्स। ठीक है, अब इसका आंसर आपने कैसे लिखना है कि आप जो है ये टाइप ऑफ केस स्टडी है, लेकिन बिल्कुल सिंपल केस स्टडी। कैसे केस स्टडी है, बिल्कुल सिंपल केस स्टडी। मैंने आपको बताया था बिजनेस लॉ में भी, टैक्स में भी, यहां पे भी सुन ले, जो हमारे पास केस स्टडी है ना, केस स्टडी का आंसर हम 3 स्टेप्स में देते हैं। कितने स्टेप्स में,
बच्चों कितने स्टेप्स में? 3 स्टेप। स्टेप 1 में हम लिखते हैं रेलेवेंट प्रोविजन, स्टेप 2 में हम लिखते हैं एनालिसिस ऑफ द केस स्टडी, जो केस स्टडी आपसे पूछी गई है उस पर डिस्कशन करें आपको क्या समझ आई, और स्टेप 3 में हम लिखते हैं क्या चीज, डिसीजन। ठीक है, अब आप अपनी मर्जी से जिस तरह आपका आपको इजी हो आप इन स्टेप्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लाजमी नहीं आप इन स्टेप्स को इसी सीक्वेंस को फॉलो करोगे। कुछ बच्चे डिसीजन पहले देते हैं, समझ में आ रही बात समझ में आ रही है। आई कैप जो है ना, आई कैप क्या करता है, आई कैप ये तीनों चीजें लिखता है लेकिन क्या करके, मिक्स करके। आई कैप के सोल्यूशन में आपको सिनेरियो बेस्ड सोल्यूशन में आपको प्रोविजन भी नजर आएगा, एनालिसिस भी नजर आएगा और डिसीजन भी, लेकिन तीनों को मिक्स करके। वो मिक्स करके हम कब कर सकते हैं, वो जब हम बैठे और हमारे पास ओपन बुक हो और सोचने का मौका हो और हमारी इंग्लिश, हमारी सेंटेंस मेकिंग इतनी स्ट्रांग हो हमारी इंग्लिश, तो वो तीनों चीजों को हम मिक्स करके लिख सकते। अगर उन तीन चीजों को स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आप मिक्स करके लिखना चाहोगे एक पैराग्राफ में, तो आपका आंसर जो है ना वो एक 3-4 लाइनों की जगह चला जाएगा पूरे पेज पे, आधे पेज पे, आपको फिर समेटना नहीं आएगा मैं क्या है। ठीक है, तो उससे बेहतर ये है कि हम माइंड में जो भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करें हमारे माइंड में ये 3 स्टेप्स। अब इसमें इसने क्या कहा है, प्राइवेट कंपनी, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो ठीक है और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ना, ठीक है क्या है आंसर नंबर 2। ठीक है, तो पहले तो मुझे प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी की क्या लिखनी चाहिए भाई, क्या लिखनी चाहिए, डिफिनेशन लिख ली। उसमें ये प्रोविजन भी लिख दे कि जॉइंट मेंबर्स अकॉर्डिंग टू, अच्छा यहां डिफिनेशन लिख दी तो आप यहां पे लिख दे अकॉर्डिंग टू, अगले पैराग्राफ में अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017 इफ शेयर्स आर हेल्ड बाय मोर देन 1 पर्सन जॉइंटली इट शेल बी काउंटेड एज अ सिंगल मेंबर। प्रोविजन लिख दी, अब केस पे आ जाए, आप लिख दे यहां पे कि जनाब आप ये दोबारा लिखे के कॉर्पोरेट मेंबर्स जो है कितने हैं 14, इंडिविजुअल्स कितने हैं 34, जॉइंट मेंबर्स इसको क्या कर ले 1 और क्या करें 14। समझ में आ रही बात, सो देर इज नो वायलेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, ये बात जब आपने लिख दी ना तो एग्जामिनर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको पता चल जाएगा कि ये बच्चे ने बात क्यों लिखी, इसलिए लिखी कि ये प्रोविजन यहां पे एप्लीकेबल है। और जब यहां पे आपने एक की जगह क्या लिख दिया, तो 4 की जगह क्या लिख दिया 1, तो उसको समझ आ गई कि वो ये वाला प्रोविजन यहां पे अप्लाई कर रहा है कि जनाब कंपनीज एक्ट में जो बात लिखी है वो तो ये लिखी। समझ में आ रही बात, तो आप यहां पे लिख दोगे कि देयर इज नो वायलेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 एज मैक्सिमम नंबर इज लेस देन 50 या 49। वो डिफिनीशन में आ गई ना, वो तो जब आप डिफाइन करोगे तो 50 वाली आने गई आई नहीं गई, डिफिनीशन में तो ये बात लिखी है कि मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए 50। मेरी बात समझ में आ गई, ये क्या है, अब ये स्टेप 1 है प्रोविजन, ये क्या है एनालिसिस, और ये क्या है डिसीजन। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है। अब ये सॉल्यूशन पढ़े आप,
वही बातें हैं कि नहीं, लेकिन उसने मिक्स करके लिखी है। हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ओके, हो गया, चुगले रे। हाँ, ये कितने मार्क्स का हो ये मुझे नंबर नहीं पता, ये अगर कितने मार्क्स का हो, 4 नंबर का हो ना तो फिर डिफिनीशन लिख ले। अगर ये 2 या 3 नंबर का हो ना तो डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ और सिर्फ ये ले, ये वाला प्रोविजन लिखे कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017 इफ शेयर्स आर हेल्ड बाय मोर देन 1% जॉइंटली देन दे शैल बी काउंटेड एज अ सिंगल मेंबर। समझ में आ रही बात, और उसके बाद ये कर लें बात खत्म, मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता। ओके बच्चों, हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। कहान रेशम लिमिटेड केआरएल होल्ड्स 60% शेयर्स आउट ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ अनदर पब्लिक कंपनी नेम नारायण सिल्क लिमिटेड एनएसएल। नारायण सिल्क लिमिटेड में कितने परसेंट शेयर्स हैं? 60%। ठीक है, इसकी जो है ना ये चीजें जब हम स्टूडेंट है ना, हम करते थे तो हम इसको साथ साथ पेपर पे, क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करते थे ताकि दोबारा हमें जो है ना वो ना करना पड़े। समझ में आ रही बात, तो केआरएल के एनएसएल में कितने परसेंट है? 60%। एनएसएल फर्दर ओन्स 14% शेयर्स ऑफ टंडियानी आइसक्रीम TIL। NSL has also entered into an agreement with other shareholders of TIL to appoint 4 out of NSL के पास इख्तियार है कि वो TIL के कितने shareholders हैं। ओके, हो गया। On the board of directors of 7 डायरेक्टर है ना, 7 में से 4 का अपॉइंट करने का इख्तियार किसके पास है? NSL के पास है, तो मेजॉरिटी हो गई ना। हाँ, एक्सप्लेन देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है, ये मेरे ख्याल में आई थिंक जितना मुझे याद है 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन। ओके, हाँ क्या है, केस स्टडी है ना। अब हमें आंसर तो हमें यहां से पता चल गया कि ये होल्डिंग है, ये क्या है सब्सिडरी, ये क्या है और ये क्या है सब्सिडरी। तो KRL होल्डिंग हो गया किस किस का, NSL का भी और TIL का भी। वजह के सब्सिडरी की आगे सब्सिडरी तो होल्डिंग, आंसर तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब बच्चे ने, जिस बच्चे ने डिफिनीशन याद की होती है ना, वो कहता है इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान नहीं है। वो बिलाल कुरैशी साहब कहते हैं ना, रोको मत जाओ, क्या क्या कहते हैं, रुको रुको ऐसे लिखा जाता है, हाँ है नहीं ऐसे, हाँ रुको मत जाओ। हाँ ठीक हो गया, दूसरा रुको मत जाओ, दोनों अल्फाज में कोई फर्क है नहीं, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मतलब चेंज। समझ में आ रही बात, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या चीज है प्रेजेंटेशन, ये क्या चीज है, ये आपके बात करने का स्टाइल है। आप किस तरह से, अगर आप कहते हो कि रुको मत जाओ यहां पे, तो इसका मतलब है कि आप जाओ नहीं, और अगर आप कहो रुको मत, मेरी बात समझ में, पूरा मतलब चेंज हो जाता है। हमें ये चीज सीखनी। अब इधर देखें, ये तो आसान सा सिनेरियो है, जिस बच्चे को डिफिनीशन आती है
उसको आंसर तो उसको आ गया कि जनाब ये वाला काम है। अब आपने क्या करना है, इस चीज को पल्ले बांध लेना कि सिनेरियो बेस्ड को मैं 3 स्टेप्स में करूं। कितने स्टेप्स में? 3 स्टेप्स में। सबसे पहले आ जाए, ठीक है, और इसमें क्या लिखे बच्चों, क्या लिखे? डिफिनीशन, प्रोविजन, रिलेवेंट प्रोविजन, ठीक है। आंसर नंबर 5, रिलेवेंट प्रोविजन आप लिख रहे हैं, ठीक है, के अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017, या फिर सीधा सीधा हेडिंग दे दे, होल्डिंग कंपनी। कितने पॉइंट्स है? 2 है ना। नंबर फर्स्ट, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अथॉरिटी, इफ अ कंपनी हैव अथॉरिटी टू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ आर वोटिंग राइट्स इन एनी अदर कंपनी ऑफ मोर देन, ओके हो गया, समझ में आ रही बात। और साथ में ये बात भी लिख ले कि वो जो एक्स्ट्रा बात है कि सब्सिडरी की आगे सब्सिडरी भी लेयर वाली बात लिख, ठीक है। कितने लाइन में आपकी डिफिनीशन आ गई? 3 लाइन। हाँ, अब यहां पे स्टेप 2 में क्या करें? एनालिसिस। एनालिसिस एज इन द गिवन सिनेरियो, कौन था, कहां था, कैरल होल्ड 60% वोटिंग राइट्स इन एनएसएल, सो कैरल इज होल्डिंग कंपनी ऑफ एनएसएल। पैराग्राफ खत्म हो गया। अगले पैराग्राफ में, एज एनएसएल हैव अथॉरिटी टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, so NSL shall be treated as holding company of PIL, हाँ PIL है ना, समझ में आ रही बात। बात खत्म हो गई, एनालिसिस आपने कर ली। थर्ड में क्या करें? डिसीजन। डिसीजन में क्या लिख लें? एज या नहीं, नहीं आप इसको कहोगे ना के सो अकॉर्डिंग टू द अबव डिफिनीशन, आप होल्डिंग एंड सब्सिडरी, केआरएल शेल बी ट्रीटेड एज होल्डिंग कंपनी आप एनएसएल एंड टीआई। सिंपल। हाँ, उसने यूज की है ना, देखो बच्चे, हाँ उसने यूज की है ना, तो आपको ये जब वो खुद यूज करे ना, फिर आप यूज कर सकते। मेरी बात समझ में आ गई? ये प्रॉपर तरीका है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये ड्राफ्टिंग जो है ना, ये कैसे आपको आएगा? अब ये सोल्यूशन देखे, आप वही बातें लिखी होगी, देखे ये 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये जो इन्होंने आंसर किया है ना, ये 3 नंबर का है। उसने डिफिनीशन नहीं लिखी, तो ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 नंबर, ठीक है जी। ये पढ़े क्वेश्चन नंबर 4। एल एज इट्स सब्सिडरी, डिफिनीशन लिखनी है सिंपल से। ओके हो गया, बच्चों क्लियर है कि नहीं? जी, आज हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, वो क्या है? अथॉरिटीज, मेंबर्स एंड रिजोल्यूशन। बहुत सिंपल सा लेक्चर है, बस आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिफिनीशंस की तरह क्या करना है, मेमोराइज करना है। कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, अगर यहां से क्वेश्चन आया तो हलवा क्वेश्चन होगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है द कमीशन। कमीशन का वर्ड आज के बाद आप कभी भी कंपनी लॉ में देखोगे तो कमीशन का मतलब क्या होगा?
ECCP Securities and Exchange Commission of Pakistan. The commission means the Securities and Exchange Commission of Pakistan, constituted under Section 3 of Securities and Exchange Commission of Pakistan Act 1997. Organization Securities and Exchange Commission of Pakistan established under the Securities 1997 में establish हुआ और इसने काम शुरू किया 1999 में. MCQs के लिए ये चीज़ important है. हाँ, ये वाली डेट भी और ये वाली डेट भी 1 जनवरी. आपको क्या देगा कि जनाब ECCP was operationalized on 1 जनवरी 1999, 1 फरवरी 1999, 1 मार्च. आपको 1999 याद होगा, मंथ्स में कंफ्यूज कर लेगा. ठीक है, तो जब जहां पे डेट्स हो ना उसको हाईलाइट करें और उसको याद करने की कोशिश करें. MCQs वो इसी तरह से टेस्ट करते हैं. ECCP रिप्लेस, पहले जो लॉ अथॉरिटी थी, जो रेगुलेटरी बॉडी थी, उसका नाम क्या था? कॉरपोरेट लॉ अथॉरिटी. ठीक है, द फॉर्मर कॉरपोरेट रेगुलेटरी, इट हैज बीन वेस्टेड विद एडिक्वेट ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. ऑफिसेज, ECCP के जो ऑफिसेज है ना वो कितने हैं? वो है एक क्या है? हेड ऑफिस. एक क्या है? और 8 है रीजनल ऑफिसेस. हेड ऑफिस कहां पे है? इस्लामाबाद में. ठीक है, 8 रीजनल ऑफिसेस किधर है? नंबर 1, 1 रीजनल ऑफिस इस्लामाबाद में है. 4 प्रोविंसेस में है. कितने हो गए? 5, 3. अगला नंबर 5वां छठा है सक्कर में, फैसलाबाद और कराची. कराची है ना, सॉरी मुल्तान, पंजाब. हाँ, प्रोविंसेस कैपिटल, प्रोविंस कैपिटल में. हाँ हाँ, पेशावर, कराची, क्वेटा और लाहौर. ये जो 4 प्रोविंसेस, 4 प्रोविंसेस में है रीजनल ऑफिसेस, 1 रीजनल ऑफिस इस्लामाबाद में है और 3 मेन बड़े शहरों में है, सक्कर, फैसलाबाद और मुल्तान. ओके, होगा कितने? 1 और 4 और 1, 1, 1, कितने हो गए? तो इस्लामाबाद में 1 रीजनल ऑफिस है और 1 हेड ऑफिस. बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि इस्लामाबाद में 1 ही है. नहीं, इस्लामाबाद में 1 हेड ऑफिस अलग, वो तो हमें नहीं पता, मैं कभी नहीं गया. ठीक है, हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस, ये दोनों कहां पे हैं? इस्लामाबाद. ओके, हो गया बच्चों. हाँ, पावर एंड फंक्शंस, इसका आप काम क्या है? ये तो पहले दिन हमने स्टार्ट यहां से किया था जब मैं आपको कंपनीज का कॉन्सेप्ट दे रहा था. इसका काम है टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ऑल द कंपनीज. कोई कंपनीज ऐसी नहीं है कि जो यहां से कि नहीं, इनके ऊपर आपकी अथॉरिटी नहीं है. वो इंश्योरेंस कंपनीज हो, बैंकिंग कंपनीज हो एंड अदर कंपनीज. ECCP के पास जो है ना, कहाँ से पावर आता है? लॉ से. लॉ क्या है? कंपनीज एक्ट 2017. और इनको फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट भी कुछ पावर्स जो है वो असाइन किए हुए हैं. जो कंपनीज एक्ट में नहीं भी हो तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि इनको वो पावर्स दे दें. रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ये कंपनी का, ये भी ये, हाँ, ECCP का आप समझ लें, ECCP का एम्प्लॉय. रजिस्ट्रार कौन है? ECCP का एम्प्लॉय. रजिस्ट्रार में कौन कौन आता है? रजिस्ट्रार आता है एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार. किसी भी नाम से उससे हम मतलब क्या लेंगे? रजिस्ट्रार ही लेंगे. रजिस्ट्रार के पावर और ड्यूटीज क्या है? रजिस्ट्रार का पहला पावर ये है और ड्यूटी के, कंपनी आपने अगर रजिस्टर करानी हो तो आप किसके पास जाएंगे? रजिस्ट्रार के पास. रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो कंपनी से डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर सकता है कि जनाब मुझे जमा करा दो. रजिस्ट्रार मॉर्गेजेस एंड चार्जेस क्या होते हैं? ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जब कंपनी लोन रेस करती है. इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट चैप्टर है इसके ऊपर, कंपनी ला में आगे जाके पढ़ेंगे.
तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है रजिस्ट्रार के पास वो भी अथॉरिटी है कि कंपनी से वो रिक्वायर करें। कंपनी रूटीन डॉक्यूमेंट्स भी रजिस्ट्रार के पास ही पड़ी होती हैं। पावर टू कॉल ऑफिसर्स, कभी कंपनी के साथ कोई मसला चल रहा हो और रजिस्ट्रार ने इंस्पेक्शन करनी हो तो कंपनी के किसी भी ऑफिसर को अपने ऑफिस में बुला सकता है, उसकी इंक्वायरी उनसे पूछ सकता है कि जनाब मुझे जवाब दो। कभी रजिस्ट्रार को कोई एतराज़ हो कंपनी के किसी भी बुक के ऊपर तो उन बुक्स की इंस्पेक्शन कर सकता है। और यहाँ तक पावर है रजिस्ट्रार के पास कि रजिस्ट्रार को कभी कोई एतराज़ हो तो कंपनी के बुक्स क्या कर सकता है, सीसीस का मतलब कि कंपनी पे पाबंदी लगा सकता है कि इन बुक्स में ना कोई चीज़ अब ऐड होगी ना डिलीट होगी, ये बुक्स मुझे दे तो पहले मैं इसकी इंस्पेक्शन कर लूँ, मुझे इसके ऊपर शक है। तो ये सारे पावर्स और ड्यूटीज है रजिस्ट्रार के। ऑफिशियल इन कंपनीज अदर ऑफिसर्स में कौन आता है, डायरेक्टर आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी और अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर, ये तो नाम बताए हुए हैं, आगे इंशाल्लाह मैनेजमेंट के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। बोर्ड, बोर्ड डायरेक्टर्स को, कंपनी के डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कंबाइंडली क्या पुकारते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आज के बाद कंपनीज एक्ट में जहां पे भी बोर्ड का लफ्ज आएगा ना, किसका लफ्ज आएगा, बोर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, ये समझिए। कंपनी जो है ना, डिफिनीशंस में पढ़ा था कंपनी हमारे पास दो तरह की होती, विद शेयर कैपिटल भी हो सकती है, हाँ पढ़ा था ना, गारंटी लिमिटेड मैंने आपको कहा था विद शेयर कैपिटल भी हो सकती है और विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकती है, पढ़ा था ना। विद शेयर कैपिटल जो कंपनी होती है ना उसके जो मालिक होते हैं उनको आप ओनर्स भी कह सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी कह सकते हैं और मेंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर्स तो जो भी इनिशियल ओनर्स है उनको हम क्या कहेंगे, सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो लेकिन तीन नाम ये यूज होते हैं कि उनके मालिकान को किन किन नाम से पुकारा जाता है, ओनर्स, शेयर होल्डर्स, हाँ, या फिर, लेकिन जो कंपनीज विदाउट शेयर कैपिटल है ना उनके ओनर्स को तो या आप ओनर बुला सकते हो या मेंबर्स, उनको आप शेयर होल्डर नहीं कह सकते। वजह, शेयर कैपिटल नहीं है, तो जब शेयर कैपिटल नहीं है तो शेयर ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, समझ में आ रही बात, तो उनको आप शेयर होल्डर नहीं कह सकते। तो आपके लिए मैं एग्जाम हिंट बता रहा हूं कि जहां पे आप कंफ्यूज हो ना तो आप कौन सा वर्ड यूज करें, बच्चों कौन सा वर्ड यूज करें, मेंबर। मेंबर में शेयर होल्डर भी आ जाता है विद शेयर कैपिटल हो या विदाउट, क्योंकि ये कौन सा टर्म है, ब्रॉडर टर्म है देन शेयर होल्डर, समझ में आ रही बात। तो आप कौन सा वर्ड यूज किया करें, मेंबर, ठीक है बच्चों, क्लियर है, हाँ आसान सा है, पढ़े मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। एग्जाम्पल 13 और 14 पढ़े,
ये जो है ना थोड़ा सा शेयर सर्टिफिकेट्स का आया हुआ है ना, तो इसको अभी छोड़ दें, ठीक है, खुद ब खुद समझ आ जाएगी, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे आगे जाके ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स है उनके साथ। अच्छा, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस आ गए अगला, ठीक है, ये समझिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, मैंने स्टार्ट में भी बताया था, ठीक है, और इसके 5 मेंबर्स है, ठीक है, और कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, लॉ ने रिक्वायर किया है कि कंपनी के कैपिटल को सिर्फ कैपिटल नहीं कहना, क्या कहना है, शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल वो है 10 मिलियन, कितना 10 मिलियन, ए बी सी डी कितने हो गए, 4 और ई, इन्होंने ये बनाया, ए की इन्वेस्टमेंट है 4 मिलियन, बी की इन्वेस्टमेंट है 3 मिलियन, सी की इन्वेस्टमेंट है 1 मिलियन, कितने हो गए, 8 मिलियन, हाँ, यस, 2 मिलियन रह गए, डी की इन्वेस्टमेंट है 15 लाख और ई की इन्वेस्टमेंट है इन रुपीस। समझ में आ रही बात, अगर एक शेयर हो 10 रुपए का तो टोटल शेयर्स कंपनी के कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स में अगर हम इनकी इन्वेस्टमेंट, तो 1 लाख शेयर्स हो गए, 1 मिलियन शेयर्स हो गए, कितने, 1 मिलियन, 1 मिलियन में 4 लाख शेयर्स किसके पास है, 3 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स कितने, 1.5 लाख शेयर्स, और इसके पास आ गए 50,000, ठीक हो गया। अब इस कंपनी की जो भी डिसीजन मेकिंग होगी ना, क्या होगी, तो लॉ ने डिसीजन मेकिंग का इख्तियार 2 लोगों को दिया होगा, कितने लोगों को, या तो किसको दिया हुआ है, मैनेजमेंट लिस्ट में कौन आते हैं, या फिर दिया है किसको, ऑनर्स। अब मेंबर्स कितने हैं, 5, तो लाजमी बात है कि पांचों के पांचों का इत्तेफाक होना एक बात पे ये जरूरी है, नहीं, इत्तेफाक तो नहीं होता ना। तो इसके लिए जो सबसे तगड़ा पावरफुल राइट है ना कंपनी में मेंबर्स के पास, वो के किसका है, कि वो किसके थ्रू अपना डिसीजन मेकिंग करेंगे, वोटिंग के, किसके थ्रू, वोटिंग के थ्रू, वोटिंग कास्ट होती है, इलेक्शन होता है। वोटिंग का तरीका ये 2 तरीकों से होते हैं, बैलेट बॉक्स भी होता है, थ्रू रेज ऑफ हैंड्स भी होता है, इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे मीटिंग्स में बड़े डिटेल में, उसमें मैं नहीं जाऊँ, ओके हो गया। अब जब मीटिंग मीटिंग बुलाई जाती है पांचों को, ठीक है, और उनको कहते हैं जनाब मैटर बताया जाता है, ये मसला है, आप क्या चाहते हो, राइट जाए लेफ्ट जाए, वोटिंग होती है। जब वोटिंग होती है तो फिर लॉ ने कहा है कि जनाब ये मैटर डिसाइड होगा, ये कहां पे लिखा हुआ है, लॉ, ठीक है, ये मैटर डिसाइड होगा या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, किस रेजोल्यूशन से, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन से। हर एक मैटर के लिए लॉ ने साथ लिखा हुआ है केस के लिए कौन सा रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड हो तो मतलब यह कि यह मैटर डिसाइड होगा अगर इस मैटर के फेवर में कितने वोट्स पड़ गए, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी का मतलब मोर देन 50%, 50.1% वोट्स जिन मैटर्स, जिन डिसीजन मेकिंग के लिए लॉ ने लिखा है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कितने से पास होती है,
सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है? मोर देन 50%। अब क्या होगा? वोटिंग होगी जनाब, इसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। वोटिंग होगी, अगर मोर देन 50% फेवर में आया तो वो काम हो जाएगा, अगर मोर देन 50% अगेंस्ट आया तो लॉ कहेगा जनाब नहीं, मेंबर चाह रहे हैं कि ये काम ना हो। और कुछ केसेस के लिए लॉ ने कहा है कि जनाब ये डिसाइड होंगे किससे? स्पेशल रिजोल्यूशन से। तो स्पेशल रिजोल्यूशन का मैटर डिसाइड होगा कितने मेजोरिटी से? 3/4 का मतलब क्या है? 75% आर मोर। समझ में आ रही बात बच्चों? क्लियर है? तो रिजोल्यूशन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कितने तरह के? दो तरह के। ये कौन कौन से? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन। ओके हो गया बच्चों? क्लियर है? अब इन्होंने जो लिखा हुआ है ना, ये आपको समझ में नहीं आए, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की डिफिनीशन और स्पेशल रिजोल्यूशन की। ये प्रॉक्सी का वर्ड यूज किया है, पोस्टल बैलेट यूज किया है, तो इसको आपने अभी रीडिंग भी ना करें। समझ में आ रही बात? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन किसे कहते हैं और स्पेशल? बैकग्राउंड भी मैंने बता दिया कि ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन का किस्सा क्या है। जब डिसीजन मेकिंग करनी होती है कब? जब उस डिसीजन मेकिंग का इख्तियार किसके पास होता है? हाँ भाई, किन के पास होता है? मेंबर्स। तो मेंबर्स क्या करते हैं? वोटिंग। वोटिंग में लॉ ने लिखा हुआ है कि इस वोटिंग करो और ये मैटर डिसाइड होगा या तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से या फिर स्पेशल। अगर ऑर्डिनरी से पास, ऑर्डिनरी से ये डिसीजन फाइनल होगा तो वोटिंग होगी सिंपल मेजोरिटी से। अगर फेवर में मोर देन 50% मेंबर्स ने, ऑनर्स ने, शेयर होल्डर्स ने वोट कास्ट कर लिए कि काम होना चाहिए तो हो जाएगा। वो हर मैटर का लिखा है, हर मैटर का लिखा कि कौन से मैटर के लिए कौन सा रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड। बात समझ में आ रही है? और रिजोल्यूशन सारे उन मैटर्स के लिए रिक्वायर होता है जो डिसीजन मेकिंग का इख्तियार मेंबर्स के पास। किन के पास है? मेंबर्स, शेयर होल्डर्स। ओके बच्चों, क्लियर है कि नहीं? क्लियर? समझ में आ गई बात जी? तो ये इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा हुआ। इक्वल तो नहीं होगा ना। ये देखो ना, ये 4 लाख शेयर्स का मालिक है तो इसके पास ज्यादा वोट्स होंगे ना, लेकिन अगर ये चारों दूसरे साइड पे हो गए वो तो छोड़ है ना, लेकिन ये तो समझ आ गई, परसेंटेज तो निकाल सकते हो ना। हाँ, ये तो इसके पास कितना परसेंट वोटिंग राइट्स है? 40%। 60% किसके पास है? इन चारों के पास। तो अब ए जो है ना सीना तान के मैं तो सारे फैसले कर सकता हूँ, भाई कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास 40% वोटिंग राइट्स है। तो अगर दूसरे तरफ जो चार हैं वो सारे मिल गए आपके अगेंस्ट हो गए, समझ में आ, तो आपके पास तो नहीं है ना, तो ये वोटिंग होती है। मेरी बात समझ में आ रही? हाँ चलो जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।